हेलो फ्रेंड्स, इट्स वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इजी। इम्पोर्टेंट बिकॉज जब हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ से हमारा किसी चीज़ का ओरिजिन हो रहा होता है तो हमें उसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए हेडिंग दिया व्हाट इज सोर्स। हमें ये पता होना जरूरी है कि सोर्स क्या होता है। व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज एक्चुअली अ थिंग फ्रॉम वेयर सम अदर थिंग हैज बीन ओरिजिनड। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कुर्सी की मिसाल लें तो कुर्सी का सोर्स क्या है? अल्टीमेटली लकड़ी की कुर्सी का सोर्स दरख्त है। इसी तरह से अगर आप इस प्लास्टिक के पेन की मिसाल दें तो इसका भी कोई ना कोई केमिकल फार्मूला इसका सोर्स है। और इसी तरह से अगर आप गाड़ी की मिसाल लें, अगर गाड़ी लोहे की है तो उसका सोर्स क्या है? आयरन है। तो हर चीज का कोई ना कोई सोर्स होता है। नाउ व्हाट इज सोर्स ऑफ लॉ? लॉ का क्या सोर्स होता है? सोर्सेज ऑफ लॉ आर दोज फ्रॉम विच लॉ डिराइव्स इट्स वैलिडिटी। यानी कि ऐसी चीज जहां से लॉ ने अपनी वैलिडिटी ड्राइव की है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सोर्स क्या है और सोर्स ऑफ लॉ क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ? के इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या हैं? द एक्चुअल मटेरियल फ्रॉम विच एन इंटरनेशनल लॉयर डिराइव्स इट्स वैलिडिटी। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जहां से कोई भी इंटरनेशनल लॉयर या जज वहां से इंटरनेशनल लॉ की वैलिडिटी को डिराइव करते हैं। यानी कि इंटरनेशनल लॉ कहां से आया और उसका ओरिजिन क्या है, कौन से सोर्सेज हैं, वो तमाम मटेरियल्स क्या हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वैसे तो सोर्सेज के बारे में दो व्यूज हैं, नैरो और वाइडर। जो नैरो है वो कहते हैं कि दुनिया में जस्ट 5 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं, लेकिन जो वाइडर व्यू है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के बेशुमार सोर्सेज हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोर्सेज के अंदर दो तरह की टाइप्स लिखी। नंबर 1 इज प्राइमरी सोर्सेज एंड नंबर 2 इज मटेरियल सोर्सेज। सो प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? ट्रीटीज, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। और मटेरियल सोर्सेज कौन से हैं? जुडिशियल डिसीजंस, राइटिंग्स ऑफ जुडिस्ट। यानी कि ये 5 अगर आप इस तरह से नंबर करें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये 5 सोर्सेज हैं। और अगर आप इसकी टाइप्स में जाएंगे तो प्राइमरी सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। तो ये 5 सोर्सेज लॉ में एक जगह पर प्रोवाइडेड भी हैं इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में, वो है ICJ स्टैट्यूट आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 ऑफ ICJ स्टैट्यूट। तो आप इस आर्टिकल को स्टडी करके ये 5 सोर्सेज देख सकते हैं। तो हमने आज के इस ब्रीफ लेक्चर में ये देखा कि सोर्सेज क्या होते हैं, लॉ के सोर्सेज क्या होते हैं और इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।